सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड गाइस आज हम खेलने के लिए दोबारा से कार को सिमुलेटर एंड हां गाइस आज की गेम प्ले है ना काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली क्योंकि आज की गेम में हम करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग ऐसी चैलेंज जिस चैलेंज के अंदर हमें जो है ना गाइस एक बहुत ही लग्जरियस सी सुपर सी कार लेनी एंड उसे फोर फोर के उसे फिर से सेल कर देना एंड मुझे देखना है क्या ये कार मुझे बेनिफिट देती है या मुझे बहुत ज्यादा लॉस देती है। बट इसे ना हम थोड़े ऊंचे लेवल पे करेंगे जैसे कि हमारे पास होगा फरारी लैम्बोर्गिनी एंड डॉज वेपर। हाँ यार ये मुझे पता है कि ये चैलेंज जो है ना टेचनो भाई किया था एंड लिटरली आप मानोगे नहीं भाई उसने भाई उस कार से अच्छे खासे प्रॉफिट लिया था। तो लेट्स गो करते हैं इस चैलेंज को। बट उनसे पहले अगर आप टेचनो भाई के तकड़े वाले फैन हो तो यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना। लेट्स गो वेलकम बैक गाइज एंड फिलहाल में हम आ चुके हैं अपने शोरूम के पास एंड यहाँ पर देखने के बाद मेरे पास जो है ना एक फरारी है ठीक है ओके जो कि यार अच्छे खासे एक सेकेंड मेरे पास डोज वेपर भी है। लेट्स गो अब तो यार इस चैलेंज को करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। एक और फरारी है ठीक है तो गाइज अभी है ना मेरे को बस एक ही कार नहीं है वो है लैम्बोर्गिनी। तो यार मुझे बस लैम्बोर्गिनी लेनी है फिर उनके पास जो है ना इस चैलेंज को हम आराम से कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओके ये कौन सी कार है पता नहीं गाइस ये जो है ना मुझे उसी में फंसा था क्या कहते हैं इसको जो आया था यार ध्यान में नहीं है बट छोड़ो कोई ना। तो अभी ना गाइस मुझे एक लैम्बोर्गिनी एक सेकेंड यहाँ पे मेरे पास मस्टैंग भी है लेट्स गो। ओके तो मैंने है ना गाइस कुछ दिन पहले ही मस्टैंग करी थी पिछले वाले एपिसोड में आप सभी ने देखे होंगे। बट कोई ना अभी चलते ही गाइस लैम्बोर्गिनी की तलाश में अगर भाई मिल जाए ना तो सच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वीडियो बनने वाली है। फिलहाल में अगर यहाँ पे देखे तो कार स्टेशन के पास ऑक्शन के पास कुछ भी नहीं है। एक सेकंड कार मार्केट अपनी ओपन है लेट्स गो भाई यहाँ पे मिल जाए यार मजे ही आ जाएंगे। एक सेकंड भाई तू पहले यहाँ पे लग जाए यार ठीक है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले मेरे को है ना गाइस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी देखनी है भाई। कार मार्केट तो पूरी तरीके से ओपन है बट यार यहाँ पे जो है ना गाइस एक बहुत ही बड़ा दिक्कत आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम है यार अब जो है ना सुपर कार आना बहुत ज़्यादा कम हो गया भाई यार ये बेकार सी कार के भी दाम। चलो गाइस यहाँ पे तो भाई नहीं है यार भाई फालतू में हम यहाँ पे आ गए अब कोई सुपर कार मिलता ही नहीं पता ही नहीं फालतू कार मिलता है भाई क्या कार है ये पता है नहीं। एक सेकंड ये BMW की कार है एंड जिनकी प्राइस ये मैम बोल रही है 87 का आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि यार ये BMW की कार काफ़ी अच्छी तगड़ी कार रहती है ठीक है। तो अभी है ना 70 के दे देते हैं आई थिंक ये दे लेट्स गो दे दो मैम लेट्स गो फाइनली दे दी इसने ठीक है। तो अब भी है ना गाइस एक काम करते हैं इस कार को है ना हम अपने शोरूम के पास सेंड कर लेते हैं जा भाई। ओके तो एक सेकेंड ये कौन सी कार है भाई रहने दे यार एक और BMW की कार है बट इसे देखने के बाद कोई किसी का भी मूड करेगा ही नहीं लेने का क्यों यार इतना ज़्यादा गंदा है ना भाई छोड़ दे यार वैसे भी ताम भी कम है एंड इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है। फिलहाल में ये पुराने मॉडल की कार है इसमें मुझे बेनिफिट तो होगा बट इनकी प्राइस ही बहुत ही ज़्यादा कम है। एक सेकेंड एक कार होती है जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है एंड वो मुझे बेनिफिट भी काफ़ी अच्छी देती है ये वही कार है गाइज इनके है ना मैक्सिमम प्राइस 2 लाख है। तो अभी है ना एक काम करते हैं ये 1,70,000 के में आई थिंक दे देगा देखते हैं हम। चलो मैम दे दो प्लीज़ 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 दे दो दे दो दे दो अबे और सुन ले लेट्स गो दे दिया। ओके तो अब भी ना एक काम करते हैं इस कार को सबसे पहले सेंड कर लेते हैं। ओके भाई अब मैं जा रहा हूँ मेरे को तो गाइस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी नहीं मिली बट कोई ना नेक्स्ट टाइम अगर मिलेगी ना भाई क्या ही तगड़ी एक्सपेरिमेंट करते भाई बहुत ही तगड़ी एक्सपेरिमेंट करने वाले बट कोई ना अभी चलते हैं सबसे पहले। ओके भाई यार इनकी ग्राफिक्स जो है ना गाइस सच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है देख लो यार पूरे साइड से घास एंड पेड़ पौधे ओ रुक जाए लू टूटा टूटा भाई टूटा भाई आराम से रह जाए यार। ओके कोई ना जल्दी से हम यहाँ पे चल के लगा देते हैं अपनी कार को भाई फालतू में यार टूट रहा है भाई ये जो मस्टैंग है ना ये उतना ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं यार बस प्लास्टिक की तरह ऐसा लग रहा है। अबे रुकना इतना ज़्यादा ड्रिफ्ट क्यों लग रहा है तू। ओके एक सेकंड यहाँ पे हम लगा देते हैं एंड अब चलते हैं गाइज ठीक है। अब मुझे वो एक सेकेंड मैंने वो दो कार ली थी सबसे पहले उसे जाके मुझे रिपेयर करना है फिर उनके बाद मुझे सेल पे लगा देना। वैसे यार इस पे सेल पे नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं क्योंकि मुझे तो अभी चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो एक सेकंड रुको 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 ये पूरी तरीके से रिपेयर है एंड ये कार भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। तो एक काम करते हैं हम इसे जाके थोड़े से मॉडिफाई कर लेते हैं मतलब यानी कि कलर वलर वगैरह डाल देते ताकि थोड़ी दिखने में अच्छी लगे एंड हाँ अगर हम इसे सेल भी करें तो काफ़ी अच्छे ज़्यादा प्राइज़ मिले। बट गाइस यहाँ पे तो रात हो चुकी कोई ना एक काम करते हैं हम
इस कार को है ना यहाँ पेंटिंग वाले रूम में डाल देते, फिर उसके बाद आराम से चले जाते सोने के लिए, सुबह होगा आराम से आ जाएंगे भाई। चल भाई तू यहीं पे रह, लेट्स गो, वेलकम बैक गाइस। चलते हैं अभी अपने शोरूम के पास, एक सेकंड, शोरूम के पास कौन बोल रहा है, अपने हाउस में। ठीक है ये रहा, सो जा ओके। तो गाइस अभी है ना मैं 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब है ना लॉस में जा रहा हूँ, बट कोई ना, अगर हम कार को सेल कर दिए तो भाई मुझे लॉस लगने वाले हैं नहीं। बट मुझे है ना सबसे पहले अपने कार को रिपेयर करना है, उस वाली कार को आई थिंक रिपेयर कर दिया होगा भाई। तू पेंटिंग में कौन सा कलर रहेगा सही बेस्ट? ग्रीन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रीन भी ठीक। अबे फिर से ग्रीन, ये परफेक्ट, थोड़ी सी यूनिक लग रही। चलो गाइस एंड इसे लेकर चलते हैं। एंड हाँ मुझे अभी तो इसे सेल तो नहीं करनी है, बस बाहर रख देंगे ठीक है। वैसे अगर एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ी भाई तोड़ फोड़ में इस कार से, तो भाई इसमें है ना हम चुकने वाले नहीं है भाई, इस कार से पकड़ के तोड़ फोड़ देंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यार डोज वाइपर को कोई कार तोड़ सकता, क्योंकि यार सच में डोज वाइपर कार जो है ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कार है भाई, एंड चलाने में भी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो भाई बैंड तो बजने वाली है ही इन सभी को तोड़ने फोड़ने में, बट कोई ना चलते हैं अभी बैक करके आराम से। चल भाई लेट्स गो, किधर है ओके। तो अभी है ना इसमें भाई क्या बंदा है यार, हम जा रहे हैं बीच में धराक से ला दिया कार को। ओके कोई ना, भाई तू इसमें एक काम कर, बहुत ही तगड़ी रेड कलर दे दे, चल काफ़ी परफेक्ट है भाई एक ही दफा में। वैसे यार इसमें कलर में ज़्यादा मुझे पैसे खर्चे हुए नहीं, 700 रुपये के करीब पैसे खर्चे हुए, बट कोई ना चलते हैं। ओके ना, अबे भाई कितना ड्रिफ्ट ले गया तू, देख भाई यहाँ पे कार जो है ना अपनी नच गई। आराम से आराम से आराम से भाई, थोड़ी सी अगर और मॉडिफाई की ऑप्शन रहती ना तो कई इसमें ना लोगो वोगो सारे कुछ चेंज कर, मतलब न्यू लोगो लगा देती, क्योंकि देखा हूँ मैं BMW की लोगो वगैरह है ना चेंज है, तो आई थिंक अगर इसमें है ना चेंज वेंज की रहती तो भाई उससे है ना और भी ज़्यादा तगड़ी से मॉडिफाई अपने कार को कर लेते, बट कोई ना इतना भी ठीक ही है। ओके तो अभी एक काम करनी है, सबसे पहले अपने मस्टैंग को लेकर चलना है कहाँ, देख लेना भाई मुझे कार मार्केट वगैरह, आई थिंक कार मार्केट आज ओपन है अपनी, तो चलते हैं भाई कार मार्केट में अगर मिल जाए ना तो भाई मज़े ही मज़े हैं। बट यार कार मिलती ही ना भाई, मुझे बस एक लैम्बोर्गिनी की ज़रूरत है, फिर उनके बाद कोई कार की नहीं। ओके एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें धक्के मारकर, लेट्स गो। अबे भाई मेरी कार में डैमेज दे रहा है क्या, लू वे यार गाइस ये तो मस्टैंग में ही डैमेज दे रहा भाई, डोज वाइपर पर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई 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 रुक जा यार, पूरी तगड़ी तरीके से है, देखते कौन सी कार उछलने वाली है। 1 2 3 लेट्स गो, मेरी कार गई भाई, मेरी कार चली गई मस्टैंग, व्हाट द हेक, क्या ये भाई मेरी मस्टैंग चली गई। डोज वेपर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी भाई साहब, यार सच में ये जो कार है ना काफी ज्यादा तगड़ी है। रुक जा बेटे, इसी कार से है ना सारे कार का बैंड बजाने वाले हैं, तभी आई थिंक है ना डोज वेपर को थोड़ी मोटी डैमेज लगने वाली है। ओके 1 2 3 भाई यार ये तो करने में काफी ज्यादा मजे आ रहे, 1 2 3 लेट्स गो भाई, गई 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 गई, अबे स्पीड पकड़ लेट्स गो। ओ शिट भाई मस्टैंग को पकड़ के पलटा दी, व्हाट द हेक क्या था ये, अबे यार रुक जा भाई, एक और बनता है। ओके गाइज मेरी कार वो है ना आई थिंक ब्रेक डाउन होगी, इसीलिए मैंने उसे रख दिया, एंड फिलहाल मैं इस कार को लेकर चलते हैं एंड इनसे 1 2 3 4 एंड लेट गो बाहर निकाल दे भाई। ये शीशा अगर नहीं ना रहता ना यहाँ पर तो अपनी कार जो है ना गाइज बाहर फेंकी हुई रहती, बट कोई ना एंड आगे भी एक कार है एंड इससे भी लेकर चलते हैं। मुझे लगा कि कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम होगा एंड एटलीस्ट लास्ट में हो ही गया, फिलहाल में देख लेते हैं। ओ भाई 54% डैमेज है एंड उसमें है ना अपनी कार पूरी तरीके से बैठ गई,
ओके ये कार चल रही है क्या? ओ ये चल रही भाई, मुझे लगा यार ब्रेक डाउन हो गया, बट कोई ना अब इनसे तोड़ फोड़ करते भाई। आराम से आराम को लो भाई, अपने भी ये भी कार गई ब्रेक डाउन। अबे यार एक काम करते पहले देख लेते। ओके गाइस अब जो है ना 70% वैसे भी डैमेज हो गई खेलते धूपते, तो अब इसे है ना आप बाय भी करेंगे भाई आराम से। फिलहाल में एक काम करते हैं, इन सारे कार को है ना गाइस मुझे शोरूम तक किसी भी तरीके से पहुंचानी है, एंड ये कार अपनी चल रही है ठीक है भाई, ये बढ़िया है। एंड इसी से है ना धक्के मार मार के भाई सारे कार को है ना मुझे है ना बस शोरूम के अंदर करनी, फिर उनके बाद बाय करके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने प्राइस में सेल होती है, कितने प्राइस में मुझे लॉस लगती है, सब कुछ देख लेंगे। तो अभी 1, 2, 3 एंड लेट्स गो, काफी तगड़ा से भाई किधर गए अपना? ओ भाई पलटा दिए पूरा, अब जो है गई सॉलिड भागने वाली, रुक जाओ भाई इससे है ना एक्सीडेंट दूर से। ए ब्रेक डाउन ओके भाई काफी तगड़ा मजा आ रहा है यार कार को फोड़ने में, रुक जाओ 1, 2, 3 एंड लेट्स गो भाई, इस बार काफी तगड़ी से लगी हो तक जा। ओ भाई डोज वेपर को किस तरीके से नचा रहे भाई, बीप नहीं होता यार ये कार जो है ना सच में 2 लाख की कार, काफी ज्यादा तगड़ी कार है भाई, देख लो यार भाई साहब मतलब बच्चों की तरह हम खेल रहे हैं इस कार से। ओके वो रही भाई, इस बार काफी दूर जहां मारने वाले हैं नहीं गाइस, देखो अभी आराम से इसको मारेंगे, एक सेकंड आराम। ओके लो भाई ये हो गया, ये भी अपनी कार। अबे यार गाइस अब मेरी कौन सी कार है ना, आई थिंक अब मुझे है ना कार जो लानी पड़ेगी ना वो अंदर से ही अपने शोरूम से ये कार लानी पड़ेगी, मेरी सारी कार यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। ये वाली कार ये भी चलने के आई थिंक मूड में नहीं है भाई, ये भी चलने के मूड में नहीं है। अबे यार ओके कोई ना भाई, सच में है ना जब से मैंने शोरूम करी है ना तब से अगर कभी मैंने कार की बैंड बजाई है तो वो आज ही है। ओके कोई ना भाई टेंशन मत लो यार, सारे को सेल करेंगे बिना मॉडिफाई करे। ओके तो अब भी है ना गाइस मेरी कार यहाँ से आराम से सेफली निकल गई है बाहर, एंड इससे अब थोड़े से है ना हम तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ नहीं करेंगे बस मुझे है ना सारे कार को शोरूम के अंदर करना भाई, तोड़फोड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ तक यार सारे कार के ब्रेक डाउन भी हो चुके हैं, तो यार क्या ही अब तोड़फोड़ करेंगे ठीक है। आराम से भाई आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना अगर किसी भी कार को हम ठोकते हैं ना तो उससे मेरी कार भाई डैमेज होती है, सामने वाली कार नहीं होती है। ये देखो भाई 3.2% मेरी कार है ना ये हुई है डैमेज, बट कोई ना अपनी डोज बॉय पर अंदर जा चुकी है भाई, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड हाँ फिलहाल में एक काम करते हैं, डोज वेपर भी आ चुकी है एंड इनकी डैमेज देख लेते ठीक है, 70% है मैंने पहले भी देख रखा था। एंड मस्टैंग क्यों नहीं अपनी चल रही है भाई, अबे डैमेज है का मस्टैंग भाई, चल रही है कि नहीं चल रही है तो फट ट्राई करके देखे क्या। ओके अबे चल रही है भाई, अबे उसमें ब्रेक डाउन हो गया था आई थिंक, अबे यार क्या भाई। ओके कोई ना गाइस एक काम करते हैं, अब जो है ना मुझे इस वाली कार को अंदर करनी, क्योंकि ये भी कार है ना पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो अगर अंदर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आराम से लेट्स गो। ओके 1, 2, 3 एंड लेट्स गो। लो भाई व्हाट द हेक, ये क्या हुआ? अबे यार भाई ये भी कार जो है अपनी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुकी है यार, अपनी मस्टैंग प्यारी मस्टैंग। गाइस अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे इस भी कार को है ना सेल कर देना चाहिए, बट इसकी डैमेज भाई हुई ही नहीं एंड भाई पूरी तरीके से ये चलने का नाम ही नहीं ले रही, बट कोई ना अभी चलते सोने के लिए एंड सो के आ चुके भाई। एंड हाँ गाइस एक बहुत ही सीरियस सी बात भाई, मैं ना बहुत ही ज़्यादा मैनेज में जा रहा हूँ, मेरे पास मात्र 8 लाख रुपए हैं एंड फिलहाल में कार मार्केट ओपन। ओ माय गॉड गाइस फाइनली यहाँ पे मुझे लैम्बोर्गिनी मिल चुके भाई, अब जो है ना मुझे ये चैलेंज करने में कोई से भी कार की कमी नहीं है भाई, फाइनली मुझे ना एक लैम्बोर्गिनी की कमी हो रही थी एंड ये भी मिल चुके भाई। कितना? 3.5 लाख ले भाई, 3 लाख तू मेरे को कार दे भाई, मेरे को चैलेंज कंप्लीट करना है, ले भाई देख नाकर नूकर मत करियो। फाइनली मेरे को यहाँ पे लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है भाई, इसे लेकर चलते हैं एंड इसे फुल्ली मॉडिफाई करके
तब भाई इसे है ना आराम से सेल करेंगे। वैसे तो यार मैंने एक स्कैंड 3 लाख में कर दी एंड देखेंगे भाई, यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है, देखेंगे भाई। क्या ही ड्रिप लग रही है भाई, यार दिल खुश कर दिया मस्टैंग ने, सॉरी मस्टैंग बोले यार अपनी। अबे हटना भाई, 2% डैमेज अभी कर दे तू, घर भी ना जा पाए कुछ ऐसा सीन कर दे तू। ओके एंड एक सेकंड धक्का मारते धक्का मार, ओ ले भैया। ओके एंड एक काम करते गाइज, एक सेकंड भाई ये जाम लग गया यहाँ पर, एक मिनट अपनी इससे लैम्बोर्गिनी से ही जाम को हटाने की कोशिश करते भाई, बिना धक्का मारे को अभी हटाएंगे, रुक जाओ एक सेकंड पहले है ना एक काम करते हैं, इस वाली कार को एक तगड़ी सी शॉट मारते, फिर उनके बाद जो है ना भाई जाम हटाएंगे रोड पर से, रुक जाओ 1 2 3 लेट्स गो। किधर है भाई, किधर हट जा हट जा, ये गया। ओ अबे यार इस गाड़ी की गाइस है ना ये क्या कहते हैं नीचे है ना वो सामने वाला फ्रंट, इसी वजह से है ना ये उड़ गई भाई सामने से। ओके ओहो आराम से अभी हटाते। ओके हट जा, ओ भाई पूरी मूवी वाली सीन यहाँ पे मैंने कर दी यार। अबे जाना अब, कितना खाली करे रोड भाई साहब, यार थोड़ी सी कार नहीं रोड में, हम 2 मिनट रख सकते, कोई ना हट जा भाई साइड में। अबे ये हटने का नाम ही नहीं ले रही गाइस, बट कोई ना अभी है ना एक काम करते हैं अपनी मस्टैंग से, ओ ले भाई यार मुझे शोरूम में अपने मस्टैंग को रखनी थी एंड ये यहीं पर पूरी तरीके से डैमेज। अबे यार बट कोई ना देख लो, ओके 70% डैमेज तो होगी है एंड गाइस एक काम करते हैं इसे है ना यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं, इससे बाहर नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से बाहर हो जाएगी ठीक है, तो अपनी कार को बाहर रख लेते हैं एंड मैं धक्के मार के इसके अंदर कार को कर लेंगे फाइनली। फिलहाल में अगर हम देखा जाए तो मेरी की मैक्सिमम कार यहाँ पे डैमेज है, बट ये कार है ना ठीक है, आई थिंक ठीक है ना, लेट्स गो ठीक है ये। अब इनसे है ना मुझे ये वाली कार को अंदर करनी, वो भी धक्के मार मार के, तो यार अब और भी ज़्यादा मज़े आने वाले, वो भी लैम्बोर्गिनी को धक्के मारने में भाई, 1 2 3 लेट्स गो। ओ ओ ये क्या रहा भाई, क्या ही ऊपर फ्लाइ कर रहे हैं कार को लेकर आराम से भाई, बस एक ही कार ही है मेरी ठीक है ना प्यारी ऐसी, इनसे मुझे हेल्प लेनी है यार अंदर करने में। तू एक काम कर पहले साइड हो, तू साइड हो पहले अंदर जा भाई, ये आगे में खड़े हुए हैं यार ये, वो ब्रेक डाउन मत हुई भाई प्लीज, तेरे सारी सारे काम कर रहे हैं, अंदर जा भाई। ओ भाई अंदर नहीं जा रहा ये, एक सेकेंड आप जाएगा अंदर। ओके बेबी रुक जा, इधर से हम सीधा बाइक करके सॉलिड अगर धक्के मारे ना कंफर्म है कि ये अंदर जाने वाली, 1 2 3 एंड लेट्स गो। भाई यार इनके है ना बम्पर नीचे आई थिंक आगे वाली, इसीलिए है ना हम कार को नीचे से लेके चले जाते हैं एंड सामने वाली कार है ना उड़ जाती फ्लाई कर जाती, बट कोई ना रुको इसकी भी इलाज है, एक काम करते हैं हम अगर धीरे धीरे से हो जाएगा तो भाई धीरे धीरे धक्का मारेंगे, नहीं तो यार कस के मारने में तो भाई फ्लाई हो जाता। तू आराम से पलटी खा गया। ओके ये एक मिनट मुझे दे दे, ओ धक्का मत ओके एक मिनट मुझे दे दे, ये कार अंदर चली गई लेट्स गो, वो भी सीधी होके, अब मुझे यार कोई प्रॉब्लम नहीं है लैम्बोर्गिनी को अंदर करने में। अबे ब्रेक डाउन मत हो भाई प्लीज, तेरे सारी सारे काम कर रहे हैं। ओके गाइस अब मेरी बस एक कार बची है प्यारी ऐसी लैम्बोर्गिनी, भाई मैंने सोचा इसको पूरी फुल्ली मॉडिफाई करके है ना करेंगे, बट इस कार ने तो मुझे धोखा ही दे दिया भाई, क्या ही मैं बोलूँ, बट कोई ना इसे अब भी सेल कर सकते हैं। वैसे यार मैंने है ना इसमें कुछ भी ये नहीं किया है, तो इसमें मॉडिफाई नहीं किया तो और भी ज़्यादा आसानी होगा ठीक है ना। देखो यार मैंने इसको 3 लाख में खरीदे हैं, बट मुझे देखना है भाई मैं इसको तोड़ फोड़ के और बेच रहा हूँ तो कितने में बिकेगा। ओके तो 1 2 3 लाइन लेट्स गो, अंदर जा भाई, पलटी खा गया तू ठीक है कोई ना, अब भाई और भी अच्छे से है ना ये अंदर जाएगा, वैसे तो पहले फ्लाई कर जाती थी एंड अभी आराम से 1 2 3 एंड लेट्स गो, ये इधर लगा पूरी तरीके से सामने आ गई। ओके अब जो है ना गाइस मुझे बस धीरे धीरे धक्के मार मार के आई थिंक अंदर करना पड़ेगा ठीक है, चल अंदर
ओके भाई यार, क्या मैं गाड़ी का हालत कर दिया भाई, धक्के मार मार के अंदर करना पड़ा भाई। ओके आराम से आराम से आराम आराम से आराम आराम से। अबे हटना भाई पागल, तूने सारे कहा रहेगी। अबे जाना यार भी, क्या पागल, जाना। ओके वन टू थ्री एंड लेट्स गो। अबे अंदर जा। ओके बस एक और शॉट एंड आई थिंक ये अंदर चली जाएगी। बट इसे एक मिनट भाई, क्या फरारी में देख रहे यार पावर है, लैम्बोर्गिनी को पकड़ के खिसका दिए हम। ओके हाँ एक काम करते हैं, अपनी इस वाली कार को इन्हें सिंपली अब यहाँ पे लगा देते एंड अब मुझे बस एक ही काम करनी, सारे कार को सेल करनी एंड उनके बाद देखनी भाई कौन सी कार मुझे कितने में बेनिफिट हो रही है, कितने में लॉस हो रही है। बाकी सारे के डैमेज अगर हम देख रहे हैं तो डैमेज उतने अच्छे खासे है भी नहीं, बट इनके डैमेज देख लेते भाई। अबे पहले तो इसे सीधा, एक सेकेंड, 70% डैमेज है ठीक है, बट ये सीधा हो कहाँ से, होगा कहाँ से। एक मिनट भाई तू सीधा पहले हो जाए यार, एक मिनट अब सीधा हो जाएगा आई थिंक। ओ व्हाट द हेक, ये क्या हुआ, हुए यार मैं ऊपर आ गया भाई। ओके कोई ना बट फिर भी कोई ना गाइस, यहाँ से भी हम गाय, एक सेकेंड गाय में बोलो, अपनी कार को आराम से है ना ये कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो हम एक इसकी सेल्फी ले लेते हैं, किधर गया भाई कैमरा, ये यहाँ से एक सेल्फी मैंने ले ली, इससे पहले सेव कर लेते हैं। ओके एंड आराम से जाके फोटो डाल देंगे भाई, ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी। देख भाई मैंने तो इसकी पूरी बैंड बजा दी है, बट अब तुझे खरीदना है तो खरीद, नहीं तो मैं पहली लाइन में धर जा, कुछ ऐसा ही सीन ठीक है। तो ये रही हमारी फरारी, इसकी भी हम एक सेल्फी ले लेते हैं आराम से सामने से। ओके एंड एक और सेल्फी ठीक है, एंड अब डॉज वाइपर, डॉज वाइपर ये रही, ये रही, ये रही, ये रही भाई सबसे ज़्यादा महंगी कार हमारी अब तक की भाई, 10 लाख रुपए की ये कार आई थिंक। ओके मस्टैंग की भी मैंने एक सेल्फी ले ली है फिलहाल में। तो गाइज अब है ना मुझे सारे कार को बस सेल पे लगाने हैं, तो हम सबसे पहले काम करते हैं इस वाली कार को पहले 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 देख लेते हैं हम कौन सी कार है ये, डॉज 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 किधर है, ये डॉज रिवर ठीक है भाई। 9 लाख में मैंने, 9,25,000 के में मैंने इस कार को परचेज किए थे एंड इसकी मैक्सिमम प्राइस रखने वाले हैं 15 लाख। चल भाई ओके कन्फर्म। ओके अब कौन है, डॉज वाइपर एंड फरारी ठीक है, ये भाई हो गई एंड ये री फरारी, फरारी फरारी किधर है, किधर 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 भाई जल्दी निकल, किधर है बे। ओके इधर से हम फरारी को निकाल लेते भाई, ये रही अपनी लैरी भाई, इसमें लैरी नाम लिखा रहता बट है ये ओरिजिनल फरारी। ओके तो ये कार की प्राइस है 2,70,000, तो आई थिंक इसकी कार की प्राइस होनी चाहिए 5 लाख एंड इसमें मैं फ़ोटो डाल देता हूँ कौन सी फरारी वाली। एक स्कैन मैं लैम्बोर्गिनी में फ़ोटो डाल दे कि नहीं मैं पता ही नहीं यार, लैम्बोर्गिनी नहीं यार ये डॉज वाइपर। एक सेकेंड अबे यार गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से रात हो चुकी है, बट कोई ना सुबह में आएंगे आराम से अपनी सारे कार को सेल करेंगे। तो अभी आराम से पहले सो लेते हैं एंड वेलकम बैक। ये रही हमारी, एक सेकेंड हमारी वो वाली कार जो है क्या कहते हैं इनका नाम, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी का मैंने अब तक वेबसाइट पे इनका प्राइस नहीं डाले, रुक जाओ भाई। ओके इधर से आए, लैम्बोर्गिनी किधर है, किधर है, किधर है भाई, लैरी माजडा डॉज वाइपर लैरी लॉर्ड मस्टैंग ठीक है, BMW एक सेकेंड ये रही लैम्बोर्गिनी ठीक है, इनकी कार की प्राइस है 3 लाख एंड मैं इसको देने वाला हूँ 5 लाख। 5 लाख में गाइस इसको हम सेल करने वाले, देखने वाले क्या हमें लॉस लगता है या बेनिफिट होता है अभी पता चल जाएगा ठीक है। तो ये रही अपनी फरारी की इमेज, मैंने सेट कर दिया एंड पुट इन ऑन सेल ठीक। ओके लेट्स गो, अब मुझे बस एक ही काम करनी है, वो है अपनी शोरूम को ओपन करना, फिर उनके बाद ग्राहक आएंगे एंड उसे पता चलेगा अपने को भाई। देखो यार फिलहाल मेरे पास मात्र 5 लाख रुपीज़ है ठीक है, अब मुझे पता चलने वाला है कि अपनी कार को बेचने के बाद बेनिफिट होती है या प्रॉफिट होती है, क्योंकि यार मैंने इसकी इतनी डैमेज करी है कि इसने कभी सपनों में भी सोची नहीं होगी। ओके मैम, मैम कार बहुत ही अच्छी है, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। ओके तो ये मैम बोल रही, ओ शिट भाई सच में यार इस कार की तो अच्छी खासी बैंड बजाने के बाद मुझे लॉस हो रहा है भाई, दाम के कम में ये दे रही है मैम, यार सच में
वर्क तो कर रहा है भाई। मैंने इस कार भाई 5 लाख से सीधा 2.5 लाख में मैं आ चुका हूँ। ओके मैम, एक काम करिए आप 2,70,000 के दे दीजिए। देखो यार मैम, अब से ज़्यादा बेनिफिट मतलब बेनिफिट ले ही नहीं रहा हूँ, दाम के दाम में मैंने आपको कार दी। चलो मैम तो मान गई, बट इन सारे कार को ही मैं देख लेते हैं, डॉज वाइपर। ओके मैम आप बोलो। ठीक है तो मैम ये बोल रही है, ओह ये कार अच्छे खासे प्राइस में दे रही है गाइस। मैंने ना 9 लाख में खरीदे थे, मुझे अभी भी याद है, एंड ये मैम खरीदने के लिए तैयार है 13 लाख में। व्हाट द हेक, वो भी 13 लाख 85 के। एक सेकेंड, ये 14 लाख में आई थिंक ये ले लेगी, 14,50,000। ओके मैम ले लो प्लीज, बहुत ही तगड़ी कार है मैम प्लीज। ओके मैं सेल कर दिया भाई, अब बस एक मेरी मस्टैंग क्यों बोला मैं, लैम्बोर्गिनी, मेरी एक लैम्बोर्गिनी बची है। एंड इनसे देख रहे हैं भाई, मेरे पास देखो यार यहाँ पे 2 मिलियन पैसे हो चुके, 2 मिलियन भाई, 2 लाख। ओ माय गॉड। ओके तो हाँ ये भी कार मुझे अच्छे खासे प्राइस में गाइस मिल रहा है, देख रहे हो यार 4 लाख। प्लीज सर, बहुत ही तगड़ी कार है, कुछ भी डैमेज नहीं है, लो भाई ले लिया। ओके गाइस फाइनली मैंने सारे कार को सेल कर दी, एंड मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं हुआ यार, मतलब समझ रहे हो, घटा नहीं लगा मेरे को, जहाँ तक हुआ कि बेनिफिट ही हुआ है। एंड फिलहाल में एक और काम मुझे करना बाकी, वो है मेरी बिल भाई, बिल बहुत ही तगड़ा। ओ शिट, 5 लाख रुपए की बिल, 5,70,000। ओ भाई यार इतने की बिल, चलो गाइस फाइनली पे कर दिए। ओके तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये वाली कंप्लीट वीडियो आपसे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई, क्योंकि यार ये हमारी फर्स्ट चैलेंज थी, मैंने इससे पहले कार फोटो सेल में कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं किया है। तो आई होप ये वाली कंप्लीट वीडियो आपसे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई, तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जैसे करना, एंड हाँ अगर कोई और से चैलेंज देने चाहते हो तो यार कॉमेंट जरूर कर देना। तो गाइस बाय बाय।